एंड डॉक्टर ने मुझे कहा है कि ठीक 12 बजे ऑपरेट कर देंगे। फीलिंग शीलिंग क्या है तुम्हारी? जैसे मुर्गी को जो फीलिंग होती है कटने से पहले। ओके ओके टेक केयर मौला के वाले। शहादत अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। आदाब दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शब्बर जाफरी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा भैया, इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 9:55, यानी कि सुबह के 10 बजे। सारी रात से मैं हॉस्पिटल था, अभी घर आया हूं, नहा धो के फ्रेश बैठा हूं और बाल कंघी करके गाड़ी में। मेरे साथ एक अदद मेरा छोटा भाई है, एक अदद छोटा सा बैग है और एक और छोटा सा बैग है। सारी रात हम हॉस्पिटल थे। फातिमा की जो कंडीशन थी काफी खराब थी, ठीक है, लेकिन मसला ये होता था कि डॉक्टर को समझ नहीं आती थी कि करना क्या है। बड़ी मुश्किल से व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि 9:56 हुए हैं एंड डॉक्टर ने मुझे कहा है कि ठीक 12 बजे ऑपरेट कर देंगे और बाकी मौला बारिश है, इंशाल्लाह जो होगा देखा जाएगा। अभी चलते हैं। इसके अंदर जो है वो नया साजो सामान है, नए कपड़े हैं, नया सब कुछ है जो कि अभी तक आपको नहीं दिखाया था। मैं जब से बाहर से आया हूँ, कुछ चीज़ें बाहर से ली थी, बाद में आके ली थी, और कुछ फातिमा ने मंगवा के रखी थी, ठीक है, और कुछ मेरी सासू माँ ने जो कि फातिमा की वालदा, उन्होंने कराची से भेजी थी बेबी के लिए। मुझे सबसे पहले तो उनको पे करना है कि जी बच्चा दुनिया में ले आए, क्योंकि आज के दौर में तो खैर से बच्चे भी लाखों में दुनिया में आ रहे हैं और फिर लाखों में एक ना हो तो फिर वालदैन को तकलीफ अलहदा होती है। देखते हैं आगे, मौला खैर करे। एक और बात, माशाल्लाह से आज है जुम्मतुल मुबारक का दिन, पाकीज़ा दिन है और मुझे इस चीज़ की भी बड़ी खुशी है और आई एम सो एक्साइटेड कि एक फीलिंग जो पिछले कई महीनों से आप फील करते हैं वो आपको कुछ लम्हे के बाद मिलने लगी है। और ये सिर्फ और सिर्फ फॉर अ मेमोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि इंशाल्लाह व्लॉग की सूरत में आपके सामने आ जाएगा। अब मेरा एक एक पल जो है, एक एक लम्हा जो है वो बड़ा सोचने में गुजर रहा है और कुछ फिक्र है, कुछ मतलब एक्साइटमेंट है और कुछ इंसान सोचता है कि आगे क्या होगा। और फिर एक पॉइंट पे आके मैं एक बात सोचता होता हूँ कि मौला वारिस हैं, जो वो दे रहे हैं वो बेहतर जानते हैं कि आगे क्या करना है। तो ये टेंशन आप लोग भी छोड़ दिया करें। अबे वे साहब लाएदा, साहब लाएदा, सवेरे सवेरे दूधी टकर गया है। बच्चे कम पैदा करो, बहुत महंगे पैदा होते हैं खैरियत से। खैर वो तो मालिक जिसे नसीब में दें, लेकिन फिलहाल ये भी आते निकलवाए। पहली किस्त देनी मैं उसे दुनिया पे आऊंगी। हम उस कमरा इम्तहान में हैं जिसके कदमों में जन्नत आने वाली। एक सेकंड, स्टूडेंट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आज अभी मेरी बात हुई है और वो कह रही हैं कि बस तैयार रहो। वो माशाल्लाह से बड़ी हसमुख है, शी इज अ वेरी हम्बल लेडी। खैर अभी हमारे पास एक बम्बल लेडी भी है, ठीक है, जो इस वक्त मतलब नवाबजादी बनी है। एसी ला के थे पूरी। केड़ा नवाब है जो कटने पिटने के तैयार में बैठा हो? अरे कहना क्या चाहते हो? कटते हैं शाह सवारी ऑपरेशन थिएटरों में। मैं तो कट गई तो सिर लुट रहेगा। कोई नहीं कोई नहीं, इंशाल्लाह आप मौला इसके सदके मुझे मजीद बीवियां देगा। अच्छा तो मजीद पैसे आ जाएंगे और चैनल बन जाएंगे, इस चीज से नहीं मैं घबराता। चैनल भी मेरा तो शौकी अभी अपनी। हम नहीं आवेंगे, हम नहीं देंगे। फीलिंग शीलिंग क्या है तुम्हारी? जैसे मुर्गी को जो फीलिंग होती है कटने से पहले। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम एक माशाल्लाह एक अच्छे एक मायार तक जाने लगी हो। तुम सिर्फ पहले एक औरत थी, एक बेटी थी, अब तुम एक माँ बनने वाली हो। वही तो टेंशन है। गांव तो तुम हो। कोई औलाद होगी। बस इंशाल्लाह तैयार रहे। उसको गुड़ती ये देगा हम समझ रहे हैं। गुड़ती के लिए। तुझे पता है उसने उसने माशाल्लाह चाचू बनूंगा बड़ा बड़ी प्यारी। हाँ हाँ, उसने उसकी उंगली देख, उंगली देख, इस उंगली से घुट्टी पे उंगली दिखा, उंगली दिखा, ये देख उसने 20 दफा ये उंगली धोई है, ठीक है, और फिर 20 दफा धोने के बाद किया। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? दादी कसम सारे काम करेगी आपके, बहुत अच्छी रहेगी।
और मतलब काम करने के बाद विलो भी रखेगी। अल्लाह पाक खैर करे, एक घंटा रह गया, मैं जरा एक घंटा सो लूं, मैं बहुत थका हूं सारी रात। पूरी रात मैं भी तो जाग गई। ओके ओके टेक केयर मौला के वाले, खैरियत से जाओ। चल चुम्मी ले कोटी चल कोई। मुझे याद है वो व्लॉग एडिट करना है, वो डालना है आज का। डाल अभी। इस वक्त फातिमा जो है वो ऑपरेशन थिएटर में चले गई है और हमें बस अभी वेट करना है मिनिमम 40 मिनट 50 मिनट तक, एक घंटा मैक्सिमम। बाकी खैर खबर हो, मौला खैर करें इंशाल्लाह। आपके साथ ही फिर इंशाल्लाह हम भी देखेंगे। अभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर हूँ, बोला मुझसे जा नहीं रहा, लेकिन एक खुशी और साथ साथ घबराहट, लेकिन उसी घबराहट में एक हल्की सी मुस्कुराहट इस वजह से आई है और क्योंकि अंदर से मैंने एक रोने की आवाज़ सुनी है किसी की। 2000 years later। हाँ भैया, कैसा फील हो रहा है? शुगर लेजर वाला। अरे बिटिया हुई है बिटिया, हम अभी देखावत है, हमार पर गए हैं, हमार पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलीन वलीउल्लाह, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलीन हुज्जतुल्लाह। अब इस कान में थी अकामत। सो यहाँ पे फातिमा इज़ अलोंग विद अस, ये आ गई है वापस। मैं भी ज़रा बंद कर रहा हूँ। ये बच्ची जो है वो हमारी माशाल्लाह से बॉक्स में है, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन बहाल होगा देन वो देखेंगे। नहीं तो ये तो कीमा मिठाई के अंदर क्या रखा है आपने? किसकी मिठाई? मिठाई के अंदर क्या डाला है? अरे पुलाओ। हाँ पुलाओ है। पिलाओ और लाका पिलाओ अपना। पापा जी आप माशाल्लाह से दादाजी बन गए। सबसे बड़ा उसका करम है कि उसने हमें जनाबे सारत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हमारे प्यारे नबी को भी अल्लाह ने बेटी दी, हमें भी अल्लाह ने बेटी दी। बहुत खुश है, उसके शुक्र गुजार है उस जात के कि उसने हमें अपनी रहमत से नवाजा। नेमत से रहमत बड़ी होती है। तो ये है अभी गोलक जो कि हमारे बेबी काके को दी जाएगी। एक फीडर है वो ये जो कि अभी फीड होगा और उसके बाद ही मतलब डॉक्टर बताएंगे कि इंशाल्लाह बेबी ठीक फीड कर रहा है। ठीक है, अभी पहली गिला ये लेगी, पहली गिला लेगी बाप के हाथ से। ठीक है, लाल खाया हुआ लाल। अच्छा भाई, इस वक्त गुजरांवाला में हो रही है बड़ी शदीद बारिश। रास्ते में हूँ क्योंकि वक्त हुआ चाहता है सहरी का। वो रिश्तेदार वगैरह आ रहे थे और फातिमा को मिल रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे और दुआएं दे रहे थे। खैर मेरे साथ जो हैं वो मेरे बड़े भाई भी हैं, तुराब भाई। तुराब भी कैसा फील हो रहा है? कुछ ताए तुए बन गए हो तुसी भी? यार क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। जली ना, तेरी भी जली ना। इतनी बारिश हो रही है गुजरांवाला में के मौसम भी सुभान अल्लाह और शामा दे घर बेटी भी माशाल्लाह पैदा हुई हो, फिर रहमत ना बरसे, रहमत उत्तू रहमत। वाह वाह वाह। सहरी करके आ गए हैं दोबारा हॉस्पिटल में। यहाँ पे ज़रा देखते हैं हमारी बेगम साहबा का क्या हाल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे अपनी बेटी और इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद नींद पूरी करेंगे। सुबह उठ के आपको अगली बात बताता हूँ। तो अभी हम काकी तो अपनी देख के आ गए हैं नर्सरी से, अब हम देखते हैं काकी की माँ को। सब फिट? सोचो तुम सोचो। वैसे आँख खुली सोई रही थी। तूने उठाया है?
आप पा दे मेरे मुद्दा पा दे ये कैमरा मार के बात कर। अब मैं चाचा बन गया हूँ, अब तेरी आवाज हमसे थोड़ी नीची रहे, याद रखी। इस वक्त सुबह के 5:32 हो रहे हैं, लेकिन उसको मिनट मिनट बाद जो ट्रिप और वो लगती है। मेरी 2 दिन की नींद में थे, मैं अपनी धी दाली सोवागा एक दफे। और छोटा हंसिया जो है वो गाड़ी में जाके सो गया। मैडम ये बाहर गार्ड खड़ा किया है। अभी सुबह सुबह का वक्त है, मेरे पास जो है वो कपड़े काकी के, थोड़ा सा फ्रेश भी लग रहा हूँ। मुझे उसकी माँ ने कहा है कि मुझे अब मिलवाओ, तो बस अभी जा रहा हूँ। उन्होंने इजाज़त दे दी है, बस उनको ये कपड़े हैंड ओवर करूँ। इसके कपड़े पहना दीजिए, मैं बस आता हूँ। अभी कुल मिला के सीन मेरे भाई ये है कि कुछ चार्जेस थे जो रिमेनिंग रह गए थे, वो खैरियत से अभी भर के, और मुझे करीब ऐसे एटीएम भी नहीं मिलता, लेकिन करीब है यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, वो वहाँ से निकलवा के तो मेरे लिए इजी हो जाएगा वो करके। तो फिर जो रूल्स आर रूल्स यार, उनको वो दे के तो फिर जो है वो काकी मनी ले लेनी। तो वहाँ पे अभी एक पेट्रोल पंप का एटीएम है, दे होप सो वहाँ पे इतने पैसे होंगे कि मतलब हमारी काकी मिल जाएगी। मुझे तो वैसे भी हर जगह ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। खैर चलो, इसमें तो कैश ही नहीं था ना, अब कहीं और ही ट्राई करते। हाँ भाई, तो पैसे वैसे बिल विल जितना भी था वो हो गया, भर दिया। अब पकड़ेंगे काकी और सीधा उसको उसकी माँ से मिला दें। हमारी काकी कहाँ है भाई? फिर कोई साइन चाहिए क्या? अस्सलामुअलैकुम, चले सीढ़ियों से चलो। पता है मामा सारी रात से वेट कर रही थी कि कब काकी आए, कब काकी से बातें हों, कब काकी मेरे पास बैठे। इस काकी ने तंग बहुत किया है हमें, अब ताकि काकी ज़रा सामने, मामा गुस्सा करेंगे ना तो चुप करके सुन लेना। बल्कि अभी आप सो रही हो ना तो एक्टिंग करती रहो, सोती रहो माँ के सामने, ऐसी बोलती रहे, बस सुननी नहीं है तुमने उसकी। बस हम आ गए, सॉरी है सॉरी है। लाइट ऑन कर। हाँ जी, खुश हो? एक दिन के बाद मिल गया तुम्हें। मैं भी पूछो, सो रही है, उन्होंने सुकून मिल रहा है कि नहीं? उन्होंने फिलहाल सोन नहीं, नींद ना खराब करी उन्हें। तो को काम करा रही है जरा, मैकेनिक ने भी फर्क कराया अपनी डिक्शनरी दे विच। लाडा नाल पले है, तेरी वारी ते फिर नकाब च। ओए मैं चाचू हां, मैंने गड्डी जो भी मना किया, आवाज नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ, ਵਾਲ ਖਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਧਰ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਧੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਆ, ਸੌਣ ਲਗਾ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਬਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ। ਬਸ ਆਤੇ ਹੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਬੇਟੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਭਾਈ। ਖੋ ਕੇ ਬਾਲਾ ਦਾ ਨਸੀਬ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। क्या पापा जैसे होट ले लिए, काले नहीं करना, सिगरेटे नहीं फूकना, उन्हें ज्यादा हो गया। मैं भी सारी जिंदगी पापा हर कल अपने पुत्र मैं बाहर हूं ना, ये तेरे कान भर दे। पता है गुड़ती किसकी है? पता है गुड़ती किसकी है? मेरी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚੁਸਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਫਾਰਗ ਬੈਲੀ ਰਹੇ। ਦੇਖਾ ਆਪਣੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ, ਤੇਰੀ ਗੁਰਤੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ।
तू रोज के जाती है साढ़े घर चो।